हेलो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर टू। इसका नाम है पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल क्या होता है, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे और फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पॉलीनोमियल हम जानते हैं पॉलीनोमियल टर्म्स क्या होती है, जैसे कि पॉलीनोमियल टर्म्स क्या होती है वो हम जानते हैं कि जब पहले तो हमें दिया होता है नंबर, पार्ट्स, कोएफिशिएंट और एक वेरिएबल। जैसे कि मैंने माना 3x है हमारा, तो इसमें कोफिशिएंट नंबर पार्ट्स कोफिशिएंट क्या है हमारा 3x, क्या है हमारा वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स हमने ये जाना कि हमारा कोफिशिएंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। जैसे कि हमें 9x दिया हुआ है तो हमारा 9 क्या है इसमें कोफिशिएंट है और x क्या है हमारा वेरिएबल। और ये हमें याद रखना है कि वेरिएबल हमारा y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हमारा वेरिएबल x ही हो। तभी पॉलीनोमियल टर्म्स क्या होती है, कोई भी हमें एक टर्म दी हुई है जैसे कि 14x, तो टर्म क्या है हमारी, कोफिशिएंट क्या है इसमें 14 और x क्या है हमारा वेरिएबल, वेरिएबल तो x क्या है हमारा वेरिएबल। तो ये क्या है हमारी पॉलीनोमियल टर्म्स। और इसी प्रकार हमारा टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल होते हैं ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स। किसके बेसिस पे होते हैं, वो टर्म्स की बेसिस पे होते हैं। जैसे कि 3 टाइप्स के होते हैं ये हमारे। फर्स्ट होता है हमारा मोनोमियल और सेकंड होता है हमारा बायनोमियल, थर्ड होता है हमारा ट्राइनोमियल। ये क्या होते हैं टाइप ऑफ पॉलीनोमियल। कितने प्रकार के होते हैं हमारे पॉलीनोमियल, 3 प्रकार के होते हैं, एक मोनोमियल और सेकंड बाइनोमियल और थर्ड ट्राइनोमियल, जिसमें 3 टर्म्स होती है। जैसे मोनोनोमियल का मैं आपको एग्जांपल देकर बताती हूँ, जैसे 2x और इसका 3x प्लस 5 और 5x की 3 प्लस 9x प्लस 2, ये क्या है हमारा ट्राइनोमियल। तो हम ये याद रखेंगे कि हमारे ट्राइनोमियल क्या है, जिसमें 3 डिजिट होंगी, 3 टर्म्स होंगी और बाइनोमियल में 2 टर्म्स होंगी और मोनोमियल में 1 टर्म होगी। अगर हमारा जैसे इसमें 3 टर्म है, 4 टर्म्स आती है किसी में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओनली पॉलीनोमियल। सेकंड हम जानेंगे कि डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल क्या होते हैं। डिग्री का मतलब है हमारा हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलीनोमियल। जो पॉलीनोमियल हमें दिया हुआ है उसमें हमारी हाईएस्ट पावर क्या होगी, जैसे कि 3x सेकंड 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 5, इस प्रकार है। और एक हमारी x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5 या x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये हमने एग्जांपल्स लिए हैं। तो 3x में कितनी पावर होगी, डिग्री कितनी होगी हमारी 1, क्योंकि जिसके ऊपर हमारा कुछ नहीं होता उसकी पावर क्या होती है 1 होती है। इसी प्रकार हमें सेकेंड एग्जाम्पल दिया हुआ है 3x की पावर 4 प्लस 5x की 3 प्लस, ये हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो हमारे इसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है 4, हाईएस्ट डिग्री क्या है इसमें 4। इसी प्रकार हमारा थर्ड एग्जाम्पल में क्या है डिग्री सबसे हाईएस्ट, x की पावर 3। इसी प्रकार हमारे फोर्थ में क्या है, x की पावर 2 सबसे ज्यादा है, तो x की पावर 2 डिग्री हमारी हाईएस्ट है। तो हमें यही बताना है कि इसमें हमारी डिग्री कौन सी ज्यादा है। इसी प्रकार हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे हम देखेंगे, जैसे कि हम डिग्री के बेसिस पे देखते हैं 2x 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 4x की 3। इस प्रकार हमें 3 एग्जांपल्स हमने लिए, हमने इस प्रकार 3 एग्जांपल्स लिए कि हमारा एक 2x है और एक है 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इसी प्रकार हमारा थर्ड है 4x की 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3। तो इसमें हमारी डिग्री सबसे ज्यादा क्या है, और हम मैं बता देती हूँ आपको, ये क्या होती है हमारी लीनियर, ये हमारी कौन सी होती है, पहली होती है हमारी लीनियर, सेकंड होती है हमारी क्वाड्रेटिक और फोर्थ होती है हमारी क्यूब। क्या होती है हमारी क्यूबिक, जिसमें कि जिसकी पावर 3 हो उसे हम क्या बोलेंगे क्यूबिक, और जिसकी पावर 2 हो उसको हम क्या बोलेंगे, और 3 टर्म्स हो उसको क्या बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक, और जिसमें एक टर्म हो या अन्य कोई टर्म भी हो, जैसे कि हमने यहाँ 2x लिया 2x प्लस 5, तो इसको हम क्या बोलेंगे लीनियर, क्या बोलेंगे इसको लीनियर बोलेंगे। तो इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल। क्या है जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल
फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम इक्वल टू जीरो, नंबर ऑफ जीरोज इन पॉलिनोमियल इक्वल टू डिग्री. पहला पॉइंट हमारा द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम जीरो इक्वल टू जीरो, जो हमारे पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो बनाए तो उसे क्या बोलेंगे हम, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. इसी प्रकार सेकंड नंबर है इसका, नंबर ऑफ जीरोज इन पॉलिनोमियल इक्वल टू डिग्री, और वो हमारे क्या बनाता है, इक्वल टू डिग्री भी बनाता है. तो हम इसका एक एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाती हूँ. जैसे कि 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, क्योंकि जीरो की बात कर रहा है तो हमने सबसे पहले 0 लिया. इसी प्रकार 2x इक्वल टू, इधर प्लस में है तो इधर, इधर माइनस में है तो इधर प्लस में, x इक्वल टू 4, इधर ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, 2 2 4, तो x इक्वल टू 2, क्या है हमारा 2. और अगर हम इसको वेरीफाई कैसे करेंगे कि ये 0 है, यानी x की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो 2 इंटू 2 माइनस के 4 इक्वल टू 0, ये कितना हो 4 माइनस 4 इक्वल टू 0. तो ये हमारी क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या है हमारा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. तो इससे हमें प्रूफ हो गया कि एक प्लस का एक माइनस का, तो 4 में से 4 गए तो हमारा आया 0. तो इसीलिए ये क्या है हमारा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. क्या दिया हुआ है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एग्जांपल लेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px. तो इस प्रकार हमारा ग्राफ कैसे बनाते हैं, हम एक ग्राफ पर देखेंगे, 4 एक्सिस लेंगे, ये है हमारा x एक्सिस और ये x डैश एक्सिस, इसी प्रकार ये y एक्सिस और ये y डैश एक्सिस. ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है, हमसे पूछा है कि फाइंड द जीरोस. हम लिखेंगे फाइंड द जीरोस ऑफ px. px पे हमसे पूछा है कि कितने हमारे जीरोस हैं. तो मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताती हूँ. अगर हमारा इस प्रकार ग्राफ दिया हुआ है तो बताइए कि इसमें कितने जीरोस होंगे, px से कितने जीरोस होंगे, जीरो. क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ ऑफ जीरोस तो हमारे नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे इसके, जीरो, क्योंकि ये हमारा px से कहीं भी टच नहीं हो रहा है. इसी प्रकार मैं आपको सेकंड लेकर बताती हूं. अगर इस प्रकार का हमें ग्राफ दिया हुआ है, या तो वो टच करे या उसे काटे px को, तो हम उसको काउंट करेंगे, या वो टच करके भी जा रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, काउंट करेंगे. तो हमारा कहां कहां टच कर रहा है, कहां हमारा एक दूसरे को काट रहा है, एक तो 1 2 और 3. तो इसमें हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे सेकंड में, 3 नंबर ऑफ जीरोस. इस वाले ग्राफ में कितने होंगे, 3 होंगे. इसी प्रकार हम नेक्स्ट लेकर चलते हैं. ये हमारा x एक्सिस है, ये y, ये आप जानते हैं. तो इस प्रकार मैं आपको, तो इसमें हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1 2 3 4 5 और 6. तो नंबर ऑफ जीरोस हमारे यहां पर कितने होंगे, 6. कितने होंगे नंबर ऑफ जीरोस, 6. इसी प्रकार अब हम नेक्स्ट चलते हैं. ये मैंने आपको 3-4 एग्जांपल्स देकर बता दिए. आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट होगा हमारा, इसमें नेक्स्ट है हमारा रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशियंट ऑफ द पॉलिनोमियल. हमारा, हमें रिलेशन देखना है, हमें जीरोस और कोफिशियंट के बीच में रिलेशन देखना है पॉलिनोमियल के में. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लेते हैं कोई भी, और सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए, पता होना चाहिए कि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, क्या होती है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, किस फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो. ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, तो हम सबसे पहले एक कोई भी लेते हैं, इसमें दो चीज हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए. क्या होता है हमारा, माइनस के बी अपॉन ए. इसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारा, टी अपॉन ए. ये इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है जो हमें याद रखनी है. तो एक एग्जांपल लेते हैं हम कोई भी, जैसे इसमें ही मैंने एग्जांपल दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0. 0 इसकी बात कर रहा है तो 0. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, हमेशा याद रखना है. तो हमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, लास्ट वाली कॉन्सोनेंट जो है उसकी फर्स्ट डिजिट में हम मल्टीप्लाई करते हैं. तो हमारा क्या है, 10x स्क्वायर, तो हमें 10 के फैक्टर करने हैं, 2 5 जा 10 और 5 बन जा 5. तो क्या हुआ हमारे,
हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने में हमारा 10 आए और प्लस करने पर हमारा 7 आए। तो इसके हमारे फैक्टर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस की 2x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। और एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि हमारी एक्स स्क्वायर है तो हमारी वैल्यू भी क्या आएंगी, दो ही आएगी। अगर यहाँ एक्स की 3 होता तो हमारी वैल्यू कितनी आती, 3 आती। यहाँ एक्स की 4 होगा तो वैल्यूज हमारी 4 आएंगी, लेकिन वो सेम भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है, ये हमारा क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में दो दो के हम फैक्टर बनाएंगे, दो दो के हम कॉलम बनाएंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है हमारा, एक्स, एक्स कॉमन लिया तो यहाँ 2x है, x की पावर 2 था, एक मैंने ऑलरेडी कॉमन ले लिया तो कितना बचा, 1x बचेगा। और यहाँ से x ऑलरेडी कॉमन ले लिया तो यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा। इसी प्रकार प्लस 5x कॉमन, 5 हमने कॉमन लिया तो x बचा और 5 2 जा 10 इक्वल टू 0। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, x प्लस के 5 और x माइनस जो दोनों में कॉमन है, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमारी क्या आएगी, सबसे पहले हम x की x प्लस 5 इजकल टू 0 और x इजकल टू इधर प्लस का है तो इधर माइनस का, एक x की वैल्यू क्या आई हमारी 5 और दूसरा क्या है x प्लस 2 इजकल टू 0 और x इजकल टू माइनस 2 और एक x की हमारी क्या वैल्यू आई माइनस 2। एक को हम मान लेंगे अल्फा और एक को मान लेंगे बीटा, तो हमने इसे मान लिया अल्फा और इसको बीटा। अब हम इनको वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई भी सेम ही करेंगे, वेरीफाई हम करते हैं। ये इतना आपको समझ आए स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, ताकि आपको जब आप एक्सरसाइज करें तो आपको कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। तो इसीलिए आप साथ के साथ नोट्स बनाते चले, छोटे छोटे, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया या कोई भी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया तो उसका एक छोटा सा नोट बना, छोटा सा नोट्स बना लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए हमें हमेशा शॉर्ट नोट्स बनाकर फॉर्मूला, हमें सारे चैप्टर्स के फॉर्मूला की एक नोटबुक बना लेनी चाहिए, ताकि जब भी हम क्वेश्चन करें तो हम उस फॉर्मूला की नोटबुक को खोलकर बैठे, ताकि हमारे वो फॉर्मूला याद भी होते चलेंगे साथ साथ और हमारे क्वेश्चन भी सॉल्व करने में हमें इजी होगा। तो हम इसको अब वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए क्या करना है हमें, अल्फा सम ऑफ जीरोस, जीरोस क्या था अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या माना हमने माइनस के 5 और बीटा क्या माना प्लस माइनस के 2, और अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है माइनस के बी अपॉन ए, तो माइनस बी क्या था हमारा इसमें 7 और ए क्या है 1 है, ए का कोफिशियंट 1, तो माइनस के 5 प्लस माइनस माइनस 2 इक्वल टू माइनस 7 और ये भी माइनस के 7, 5 और 2 7 और जो साइन है माइनस का तो माइनस आएगा, तो ये हमारे इक्वल आए। इसी प्रकार ये हमारे इक्वल आ गए, सम ऑफ जीरोस हम वेरीफाई करेंगे क्योंकि हमारा एक्सरसाइज में ये वेरीफाई करने के लिए आएगा, तो हम वेरीफाई करेंगे सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा हमने 5 को माना था, बीटा हमने माइनस 2 को माना था, तो हमने सेम डिजिट रख दिए, और अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, तो हमने माइनस बी अपॉन ए भी रख दिया, बी क्या है हमारा 7 और माइनस ऑलरेडी उसमें, अगर यहाँ माइनस होता 7 माइनस का होता तो हमारा बी किसका हो जाता फिर प्लस का हो जाता, तो हमने ये सम ऑफ जीरोस करा। इसी प्रकार हम सम ऑफ, अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ हमारा जीरोस क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, तो अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारा 5 इंटू माइनस के 2 इक्वल टू सी क्या था हमारा 10 और ए क्या है हमारा 1, तो माइनस माइनस प्लस 5 टू जा 10 इक्वल टू 10 के नीचे हमारा जब डिनोमिनेटर 1 होता है तो हम डायरेक्ट उसी डिजिट को लिख देते हैं, तो हमारा दोनों चीज वेरीफाई हो गई, क्या हुआ हमारा ये वेरीफाई। तो इसी प्रकार हमारे जो हमारी एक्सरसाइज है उनमें क्वेश्चंस आएंगे और हम उनको सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.1, तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 पर लेकर चलती हूँ। 2.1 क्या है हमारी, हमें क्वेश्चन दिया, स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन दिया हुआ है द फाइंड, ये एक्सरसाइज है हमारी 2.1, हमारी एक्सरसाइज क्या है ये 2.1। तो स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन दिया हुआ है द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू पी एक्स आर गिवन फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स फाइंड नंबर, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस। तो हम बनाते हैं पहले हमारा ग्राफ इस तरीका से, एक्स ये हमारा क्या है एक्स और ये एक्स डैश, इसी प्रकार वाई और वाई डैश, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इस प्रकार से दिया हुआ है, तो हमें इसमें बताना है कि हमारे कितने जीरोज है, तो हमारा सीधे सीधे पता है, मैंने आपको अभी एग्जांपल मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया था कि जो हमारा जब हमारा तब तक एक्स से टच या
एक दूसरे को कट ना करें तो वो हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस जीरो ही होगा। तो हमारा क्या है ये, तो इसमें हम लिख देंगे नंबर ऑफ इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये हमारा किससे नहीं हो रहा, एक्स एक्सिस से पी एक्स से हमारा ये टच नहीं हो रहा है, इसीलिए नंबर ऑफ जीरो आएगा। इसी प्रकार हमारा सेकंड ग्राफ में सेकंड दिया हुआ है, इस प्रकार हमें सेकंड में दिया हुआ है, तो ये हमें पता चल रहा है कि हमारा नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, क्योंकि ये एक बार हमारा एक्स एक्सिस को काट रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू वन, क्या हुआ हमारा फर्स्ट में है ये, सेकंड इस प्रकार है, थर्ड में हमारा क्या हो जाएगा नंबर ऑफ थर्ड ग्राफ में क्या है, कितनी बार हमारा ये टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तीन बार, एक दो और तीन, कितनी बार, तो इसमें थर्ड में हमारा क्या आ जाएगा नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू थ्री, क्या जाएगा नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू थ्री। इसी प्रकार हमारा फोर्थ है, इस प्रकार हमें ग्राफ दिया हुआ है और उस पर हमें इस प्रकार दिया हुआ है एक्स डैश वाई और वाई डैश और एक्स, तो इसमें कितनी बार टच कर रहा है हमारा, टू टाइम्स, वन और टू, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा इक्वल टू टू, क्या होगा। इसी प्रकार हमारा फिफ्थ में क्या है, कितने हैं, वन टू थ्री और फोर, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा फोर्थ, फिफ्थ में नंबर ऑफ जीरोस फोर। इसी प्रकार हमारा सिक्स्थ है, सिक्स्थ में हमारा किस प्रकार बनाया हुआ है, एक्स एक्सिस वाई एक्स एक्सिस डैश वाई एक्सिस और वाई एक्सिस डैश, तो हमारा फेस में हमारा कितने हो जाएंगे, थ्री, वन टू और थ्री, तो कितने हैं इसमें हमारे, थ्री नंबर ऑफ जीरोस, तो हमारा फोर्थ सिक्स्थ में कितना हो जाएगा, सिक्स्थ ग्राफ में हमारे नंबर ऑफ जीरोस थ्री। तो इसी प्रकार हम सारे, अगर ऐसे और भी कोई हमें ग्राफ दिया जाए और हमें बताना हो तो हम बता देंगे, क्योंकि मैंने आपको बहुत ज्यादा बेसिक से समझाया, क्या मैंने आपको बहुत ही बेसिक से समझाया है, तो आपको मुझे पूरा विश्वास है कि जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन और जो एक्सरसाइज 2.1 कराई है वो आपको समझ आई होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।